अवे भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल की एक बार फिर मिलावर्जी। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब, भारतीय झारिया जारी। दो बच्चों और दो मोहम्मद खवातीन समेत पांच अफराद जख्मी। भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल की एक बार फिर मिलावर्जी की और मासूम शहरियों को निशाना बनाया। रोशन प्रोग्राम करप्शन केस में वजीर आला मुराद अली शाह ने आज नैब में पेश होने से माजरत कर ली। सिंध रोशन प्रोग्राम करप्शन केस में नैब ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को आज तलब कर रखा था, ताहम वजीर आला सिंध ने आज पेशी से माजरत कर ली। नैब ने वजीर आला सिंध को 8 जुलाई को दोबारा तलब कर लिया। कोरोना वायरस के बाइस हज 2020 के लिए सऊदी अरब ने SOPs जारी कर दी। हाजियों को हजर अस्वद छूने की इजाजत नहीं होगी। मास्क और जाय नमाज लाना जरूरी करार दिया गया, जबकि अशिया को जनोश लाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कंपनियां भी सऊदी हुकूमत फराहम करेगी। डॉक्टर जफर मिर्जा ने अपने ट्विटर पैगाम में बताया कि इनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। उन्होंने मेडिकल एडवाइस के मुताबिक खुद को घर में क्वारंटीन करके तमाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार कर ली है। उन्होंने बताया कि उन्हें हल्की सी आलामत है, प्लीज मेरे लिए दुआ करें। प्लीज अपना बेहतरीन काम जारी रखें, आप बड़ी तब्दीली ला रहे हैं और मुझे आप पर फख्र है। पाकिस्तान में वेंटिलेटर बनाने के हवाले से अहम दिन, वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए बताया कि मेड इन पाकिस्तान वेंटिलेटर्स का पहला बैच NDMA के हवाले कर दिया गया। सेफ वेंट का पहला बैच वजीर आजम इमरान खान की जानिब से NDMA के सपोर्ट कर दिया गया। एहतसाब अदालत ने पाकिस्तान रेफरेंस साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, अनवर मजीद और दीगर मुल्जमान पर फर्दे जुर्म आयद करने की कार्रवाई 14 जुलाई तक मुलतवी कर दी। वकील फारूक एचनाई ने अदालत को बताया कि जान बूझ कर कर्ज डिफॉल्ट कम करना है। स्टेट बैंक ने एक्शन लेना था, जिस पर नैब ने कहा आसिफ जरदारी के खिलाफ इख्तियार के नाजायज इस्तेमाल, धोखादही, फ्रॉड कम करना है। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 5,35,379 हो गई। कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 1,14,96,761 हो गई, जबकि 65,13,430 मरीज सेहत याब नहीं हो गए। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 65 अफराद जहां बाहर हो गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 4,745 हो गई, जबकि नए केसेस सामने आने के बाद मरीजों की तादाद 2,31,017 तक पहुंच गई। अब तक पंजाब में 1,871, सिंध में 1,526 और हर पख्तूनख्वा में 1,028 अफराद जान बहक हो चुके हैं, जबकि इस्लामाबाद में 134, बलोचिस्तान में 123। फातिमा जिन्ना अस्पताल को HR डॉक्टर सादिक बलोच ने बताया कि डॉक्टर आयतुल्ला दुरानी अजीज थे और अस्पताल में जेर इलाज थे। आयतुल्ला दुरानी 2008 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के टिकट पर रुकने कौमी असेंबली मुंतखब हुए और वो 2011 तक यूसुफ जगलानी की काबीना में वजीर मुमलिकत बराए सरको पैदावार रहे। डॉक्टर राजुल्ला दुरानी की वफात पर तमाम सियासी क्यादत रंजो गम में है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा आयतुल्ला दुरानी पार्टी के नजरियाती और वफादार कारकुन थे। शहबाज शरीफ ने कहा कि डॉक्टर आयतुल्ला दुरानी जमहूरियत के सच्चे सिपाही, दीनदार, इल्म व अमल वाले खरे इंसान थे। रियारी गैंगवार के सरगना उजैर बलोच के बाद साने बल्दिया फैक्ट्री की मुश्तरक तहकीकती टीम की रिपोर्ट भी मंजरेआम पर आ गई। GIT रिपोर्ट के मुताबिक कराची की बल्दिया फैक्ट्री का वाकया मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत दहशतगर्दी का वाकया था। 20 करोड़ रुपए भत्ता न देने पर बल्दिया फैक्ट्री को आग लगाई गई, जिसमें हमास सदीकी और रहमान भोला का हाथ था। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, ताहम खैर पख्तूनख्वा, पंजाब, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, ज़ेरे सिंध, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।
कौमी टीम के मजीद तीन क्रिकेटर हैदर अली, इमरान खान सीनियर और काशी भट्टी बुध को इंग्लैंड रवाना होंगे। खिलाड़ियों का वॉशरूम में कोरोना टेस्ट मंकी आने के बाद कौमी स्क्वाड को ज्वाइन करने की इजाजत दी जाएगी, जबकि कौमी टीम के मसाजिर मलंग अली भी खिलाड़ियों के हमरा जाएंगे। और आलमी बरादरी ताहाल कश्मीरियों को जीने का हक दिलवाने में नाकाम है। कश्मीरी 5 अगस्त 2019 से अपने घरों में कैदियों की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। भारतीय फौज ने 5 अगस्त 2019 से वादी में मार्केट, बिजनेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर रखा है। अद्वियात की कमी की वजह से मरीज जान से हाथ धोने लगे।